हेलो बच्चों, मैं नेहा सन फिर से हाजिर हूँ आपके लिए कक्षा 12 की पुस्तक सृजन का पाठ 3, बिहारी के सॉरी रहीम दास के दोहे। रहीम दास नीति के दोहे। ठीक है, तो पहले रहीम दास जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं हम। रहीम दास जी का जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1626 ईस्वी में हुई थी। बच्चों रहीम दास जी का नाम आप जानते हो शायद से, रहीम के दोहे भी आप बहुत सुनते हो, जैसे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, बहुत सारे दोहे आपने सुने हैं, आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं इनके बारे में। तो ये कौन थे? रहीम दास जी बैराम खां के पुत्र थे और बैराम खां कौन था? हुमायूं के मरने के बाद में अकबर का संरक्षक था बैराम खां। हुमायूं का बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति था, तो बैराम खां के जो था वो अकबर का संरक्षक था। हुमायूं के मरने के बाद में उन्होंने अकबर का लालन पालन किया, उसको युद्ध की कलाएं वगैरह सिखाई। तो बैराम खां का पुत्र कौन था? रहीम दास। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। खान खाना इनको उपाधि दी थी अकबर ने, और ये अकबर के नव रत्नों में से एक था। अकबर के जो नौ रत्ने थे ना, उनमें से एक ये भी थे। ठीक है, इनके पिता बैराम खान ने मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। रहीम का जो व्यक्तित्व था बच्चों, बहुत प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। मुसलमान होने के बावजूद भी वो हिंदुओं के जो देवता थे, हिंदू की जो ग्रंथ थे, उनके बारे में उन्होंने बहुत वर्णन किया है। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों को बखूब का बहुत अच्छे से उल्लेख किया है। गीता के पात्र यानी अर्जुन और श्री कृष्ण, जो भारत है उसके पात्र और श्रीमद् भागवत है उसके विभिन्न पात्रों का उन्होंने वर्णन किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। रहीम को दोहा, सोरठा, बरवई तथा सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। बच्चों काव्य शास्त्र जो होता है, काव्य शास्त्र के अंदर छंदों का वर्णन आता है। उन छंदों में दोहा छंद है, सोरठा छंद है, बरवई छंद है, सवैया छंद है, इनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो जैसे आप गद्य में पढ़ते हो निबंध, एकांकी, कहानी, उपन्यास, डायरी, आत्मकथा, जीवनी, जैसे गद्य के प्रकार होते हैं बच्चों, ऐसे काव्य में यानी पद्य के अंदर भी छंद होते हैं और छंदों के भी विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला। ठीक है, तो ऐसे ही इनके बारे में भी बताया गया है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं दोहावली, बरवई नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया है वह अद्भुत है। उन्होंने अपने जीवन में जो जो चीजें अनुभव की, जैसा उन्होंने महसूस किया, उन चीजों को उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से या अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्यक्त किया है। अब जो हम पाठ पढ़ेंगे, जो हम काव्य पढ़ेंगे उनका, उसके बारे में है। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार यानी दूसरों के ऊपर उपकार करना, सज्जनता, पर दुख कातरता यानी दूसरों के दुख को देख करके दुखी होना, ये पर दुख कातरता कहलाता है बच्चों। स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है इनके दोहों से। दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु भगवान तुल्य होता है, अर्थात जो गरीबों के ऊपर दया करता है वो भी भगवान के समान ही होता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है। मनुष्यों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, उसे याचना नहीं करनी चाहिए, अगर वो याचना करता है तो वो छोटा हो जाता है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्ट प्रभावित नहीं करती। आप कितना ही बुरे व्यक्ति की संगति में पड़ जाओ, अगर आप उत्तम प्रवृत्ति के हो, अगर आप उत्तम संगति के हो, अच्छी संगति के हो, तो कोई भी प्रकार की बुरी संगति या कोई भी दुष्ट व्यक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। जो व्यक्ति सज्जन होते हैं, जो दूसरों के और भला सोचते हैं, परोपकार करने का सामर्थ्य रखते हैं, वो स्वयं के लिए धन संचित ना करके दूसरों के उपकार के लिए धन का संचय करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे अश्विन के मास में जल विहीन बादल गरजते हैं। अश्विन का महीना जो सितंबर या अक्टूबर का जो बीच का मंथ होता है उसे कवार भी कहते हैं और उसे अश्विन का महीना भी कहते हैं। जो नवरात्र आते हैं ना, अश्विन के डांडिये वाले जो नवरात्र आते हैं, वो वाला महीना। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। आंख से निकलने वाले आंसू घर भेदी की तरह
हमारी व्यथा को जग जाहिर कर देते हैं। काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। जब लोगों को अपना काम पड़ता है अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, वो कुछ भी कर लेते हैं, और जब उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तब उनका व्यवहार कुछ और होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। रहीमदास जी ये कह रहे हैं कि बड़ों को देख करके छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए। अर्थात जहां पर बड़े व्यक्ति का आप सम्मान कर रहे हो, वहां पर अगर आप छोटे व्यक्ति को अपमानित करते हो तो ये अच्छी बात नहीं होती है। क्योंकि जहां पर सुई का कार्य होता है वहां सुई ही कार्य देगी, और जहां पर तलवार का काम होता है वहां तलवार काम देगी। जहां पर आपको सुई की आवश्यकता पड़ रही है वहां तलवार का कोई महत्व नहीं है, और तलवार वहां किसी काम नहीं आएगी। और जहां पर तलवार का काम आ रहा है वहां पर सुई का कोई महत्व नहीं है। अर्थात जहां पर बड़े व्यक्तियों का सम्मान होता है वहां पर छोटे व्यक्तियों को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए, उनको भी सम्मान देना चाहिए। क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर छोटे भी उतने ही काम आते हैं जितने की बड़ी चीज काम आती है। एक ही साधे सब साधे सद जाए, रहिमन मूल ही सिंचिवो फूले ही फले अघाए। जब हम किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं या हम कोई मोटिव बनाते हैं हमारे जीवन के अंदर, कोई उद्देश्य निर्धारित करते हैं, तो हमें उस उद्देश्य की ओर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हम इधर उधर की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं या उस लक्ष्य के बीच में आने वाली बाधाओं के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं तो हम उस लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जिस लक्ष्य को आपने साधा है, जिस लक्ष्य को आपने निर्देशित किया है, उस लक्ष्य को ही आपको प्राप्त करना चाहिए। अन्य की बातों पर या व्यर्थ की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे जड़ को सींचने पर फल और फूल अपने आप ही सिंचित होते हैं, अपने आप ही बढ़ते हैं, उसी प्रकार जिस लक्ष्य को हमने साधा है, जिस लक्ष्य को हमने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि व्यर्थ की बातों पर। जैसे पेड़ को बड़ा करने के लिए या पौधे को वृद्ध करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए उसकी जड़ों को सींचा जाता है, ना कि उसके फल को और फूलों को सींचा जाता है। तो जड़ को सींचने पर वो अपने आप बड़ा होता है और अपने आप ही उसमें फल और फूल आते हैं। ठीक है बच्चों, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। अब यहाँ पर स्वाति नक्षत्र होते हैं बच्चों, 27 नक्षत्र होते हैं। उन 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र होता है स्वाति नक्षत्र। तो स्वाति नक्षत्र में जब वर्षा होती है, उस वर्षा की बूंद जब कदली यानी केला, सीप यानी जिसके अंदर मोती पाया जाता है वो, और भुजंग यानी सर्प, तो इन तीनों के जीवन में वो विशेष महत्व रखती है। कैसे? वो स्वाति नक्षत्र की वो बूंद जब केले के ऊपर पड़ती है तो वो कपूर बन जाती है, कपूर में परिवर्तित हो जाता है वो केला। जब वो सीप के अंदर पड़ती है तो वो मोती में परिवर्तित हो जाता है, और जब वो सांप के मुख में पड़ती है तो वो विष बन जाता है। तो यहाँ पर कवि ने संगति की ओर विशेष ध्यान दिया है कि जैसी संगति व्यक्ति को मिलती है उसे वैसा ही फल मिलता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, लेकिन उसके गुण तीनों व्यक्तियों के लिए अलग अलग है, तीनों के लिए विशेष महत्व रखते हैं और अलग अलग रखते हैं। केले की संगति में आकर के वो कपूर बन जाती है, सीप की संगति में आकर के वो मोती बन जाती है, और सांप की संगति में आकर के वो विष का रूप धारण कर लेती है। तो जैसे उसकी संगति में आप बैठते हैं वो वैसा ही वो फल देती है। काज परे कछु और है काज सरे कछु और, रहिमन भवरी के भरे नदी सिरावत मोर। अब यहाँ पर स्वार्थी व्यक्तियों के लिए बारे में बताया गया, स्वार्थ जो होता है उसके बारे में बताया गया है। क्या? कि कार्य पड़ने पर कार्य काज यानी कार्य कार्य पड़ने पर व्यक्ति कुछ और होता है, और जब काम पूरा हो जाता है तब वह व्यक्ति कुछ और होता है। जब उसको आवश्यकता पड़ेगी तो वो आपके साथ में अलग व्यवहार करेगा, और जब उसकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी तब वो आपके साथ में अलग व्यवहार करता है। जैसे रहिमन भवरी के भय नदी सिरावत मोर, जैसे विवाह के अवसर पर दूल्हे के सर पर जो मुकुट बांधा जाता है, एक जो अलग प्रकार से वो बांधी जाती है, भंवरी बांधी जाती है, तो उसको कार्य पूरा हो जाने पर, मतलब फेरे पूरे हो जाने पर वो उसको नदी के अंदर बहा दिया जाता है। तो उसका स्वार्थ पूरा हो गया, विवाह हो गया। अब विवाह पूरा हो जाने पर उसको नदी में जाकर के बहा दिया जाता है। ठीक है, तो कार्य करने पर व्यक्ति कुछ और होता है, और कार्य पूरा हो जाने पर, उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाने पर वो कुछ और हो जाता है। नेक्स्ट है, जो रही उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग,
चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात रहीमदास जी बता रहे हैं कि जो उत्तम प्रकृति का होता है, जो सुसंगति का होता है, जो अच्छी संगति के व्यक्ति होते हैं, उनका बुरी संगति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अर्थात जो व्यक्ति सज्जन होते हैं, उनका दुर्जन व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, कि चंदन के जो पेड़ होते हैं बच्चों, उनके नीचे सांप रहते हैं, और वो सांप यानी भुजंग यानी सर्प, वो सर्प उनकी जो शीतलता है या उनका जो गुण है उसको वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने संगति के बारे में बताया है कि अगर उत्तम संगति का व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, सुसंगति का व्यक्ति है, तो कुसंगति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है बच्चों। ठीक है, जैसे चंदन की लकड़ी के ऊपर सांप लिपटा रहता है, फिर भी उसे विष छू नहीं पाता है, फिर भी वो विष के गुण को ग्रहण नहीं करता है। रूठे सूजन मनाए ये जो रूठे 100 बार, रहिमन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ता हार। अब यहाँ पर कवि ने सज्जन व्यक्ति, सूजन यानी सज्जन व्यक्तियों के रूठ जाने पर, उन्हें मनाने के ऊपर बल दिया है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उन लोगों के रूठ जाने पर उन्हें बार बार मनाना चाहिए। जैसे मोतियों की माला टूट जाने पर उसे बार बार पोख करके, बार बार उसे एकत्रित करके बना करके फिर से पहनने के योग्य बनाया जाता है, उसे गले का हार बनाया जाता है, वैसे ही सज्जन व्यक्तियों के रूठ जाने पर उन्हें बार बार मनाना चाहिए और उनके उनसे व्यवहार बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए नहीं पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सिंह संचय ही सुजान। अब यहाँ पर कवि ने परोपकारिता का वर्णन करा है। क्या कहा है कि तरुवर यानी जो वृक्ष होते हैं वो अपने फल का सेवन नहीं करते हैं, और सरोवर जो होता है अपना पानी नहीं पीता है। क्या तालाब अपना पानी खुद पीता है? नहीं। क्या पेड़ अपने फल खुद खाते हैं? नहीं खाते। अर्थात वो दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के लिए ही वो फल और वो जल संचित करते हैं। ऐसे ही जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, ठीक है, सुजान व्यक्ति यानी कि अच्छे लोग जो होते हैं, सुसज्जन जो होते हैं, अच्छे व्यक्ति जो होते हैं, वो लोग दूसरों के हित के लिए ही धन संपत्ति का संचय करते हैं, परोपकार के लिए ही अपना धन जोड़ते हैं। नेक्स्ट है, थोते बादर कुंवार के ज्यों रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भए करे पाछली बात। थोते बादर यानी कि जो खाली बादल होते हैं जिनमें पानी नहीं होता है, ऐसे बादल कौन से महीने में होते हैं बच्चों? अश्विन के महीने में होते हैं। आपका जो वर्तमान में चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, इसके बाद आपका भाद्रपद आएगा, और उसके बाद में आपका आता है अश्विन का महीना। तो अश्विन के महीने के अंदर ही आपके नवरात्रे आते हैं और श्राद्ध पक्ष आता है। ठीक है, तो उस महीने में जो बादल होते हैं वो खाली होते हैं, लेकिन वो खाली बादल उमड़ घुमड़ करके, आवाज करके, ध्वनि करके चले जाते हैं, बारिश नहीं करते हैं। तो ऐसे ही जो धनी व्यक्ति थे, अर्थात जो पहले धनी व्यक्ति थे अब निर्धन हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी पिछली बातों को याद करते हैं। ठीक है, कि हम उस समय बहुत धनी थे, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हमारे पास इतनी संपत्ति थी, तो वो पिछली बातों को याद करते हैं, और अब उनके पास में किसी भी प्रकार का संचय नहीं है, धन नहीं है। तो वो किसके समान है बच्चों? वो क्वार के महीने के बादलों की, खाली बादलों की तरह है। ठीक है, जो कि अपना यश का वर्णन करते रहते हैं और अब पिछली बातों को याद करते रहते हैं। रहिमन असुआ नैन ढरी, जिए दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कस ना भेद कही देई। अब यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि आंखों के आंसू जिस प्रकार हमारी पीड़ा को व्यक्त करते हैं, हमारी आंखों से अगर आंसू आ रहा है तो कोई भी व्यक्ति देख के समझ जाएगा कि हम दुखी हैं। तो वो दुख के आंसू जो होते हैं वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर देते हैं, आपका चेहरा देख करके, आपकी आंखों से निकलने वाले आंसू, जिन परिस्थितियों में निकल रहे हैं उन परिस्थितियों को देख करके कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि क्या कंडीशन है, या क्यों उदास है, या ये खुशी के आंसू है या दुख के आंसू है। तो ऐसे ही वो जो हमारी आंखों से निकलने वाले आंसू है वो हमारी पीड़ा को व्यक्त कर देते हैं। ऐसे ही व्यक्ति जिसे आपके बारे में सब कुछ पता है, प्रिय, आपका जो प्रियजन है, आपका जो मित्र है, या आपका जो संबंधी है, उसे किसी भी अवस्था में निकालना नहीं चाहिए। जैसे विभीषण, रावण ने जब विभीषण को अपनी लंका से निकाल दिया था, तो वो अपनी दुखी थे वो व्यक्ति, और वहां से निकलने के बाद में वो जब राम जी के पास में आते हैं, तो रावण के बारे में जितने भी भेद थे वो सारे के सारे उन्होंने राम जी को बताया, और ऐसे ही रावण का सर्वनाश हुआ था। रावण जब अंत समय में मरने वाला था तो उन्हें राम को नहीं पता था कि उनकी नाभि के अंदर अमृत कलश है,
वो उन्होंने किसने किसने बताया था, उन्हें विभीषण ने बताया था। तो घर का भेदी लंका ढाए जो कहावत है बच्चों, वो इसी पर आधारित है। तो हमें जिस प्रकार आंखों से निकलने वाले आंसू पीड़ा को व्यक्त कर देते हैं, हमारे दर्द को व्यक्त कर देते हैं, ऐसे ही घर से निकलने वाले व्यक्ति भी अपने बारे में जितने भी भेद होते हैं उन सबको, भेद को खोल देते हैं। रहिमन निजमन की विधा मन ही राखो गोए, सुनी अठिलेही है लोग सब बाटी ना ले ही कोई। अब यहाँ पर रहीमदास जी वर्णन कर रहे हैं कि अपने मन की व्यथा, अपने मन की पीड़ा को आपको अपने मन में ही रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप हर किसी को अपने मन की पीड़ा बताते हो, अपने मन की व्यथा हर किसी को बता देते हो, तो हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता है बच्चों जो उसको दबा के रख सके, वो अपने तक ही सीमित नहीं रखता है। कई लोग उस आपकी उस पीड़ा को जग हंसाई का कारण बना देते हैं, अर्थात उसे लोगों में उपहास का पात्र बना देते हैं। तो यहाँ पर यही कहा है कि कवि ने, कि रहीमदास जी वर्णन कर रहे हैं कि अपने मन की व्यथा मन में ही रखनी चाहिए, किसी को नहीं बतानी चाहिए। उसे सुनने के बाद में लोग अठेली करते हैं, उससे आपका कोई फायदा नहीं, उल्टा आपका नुकसान है, क्योंकि आप लोगों में हंसी के पात्र बनते हो बच्चों। ठीक है, तो अपने मन की व्यथा अपने तक ही सीमित रहनी चाहिए, किसी को नहीं बतानी चाहिए। दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दी नहीं लखे दीन बंधु सम कोई। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि दीन के ऊपर दया करने वाला जो व्यक्ति है, अर्थात गरीबों के ऊपर दया करने वाला जो व्यक्ति है, वो भगवान के समान होता है। अर्थात जो दीनों के ऊपर दया करता है, जो दीनों की भलाई करता है, गरीबों के ऊपर अपनी दया दृष्टि रखता है, वो स्वयं भगवान के समान होता है, स्वयं दीन बंधु के समान होता है। दोनों रहिमन एक से जौलो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत की माही। रहीमदास जी कह रहे हैं कि दोनों एक समान होते हैं। अब यहाँ पे दोनों कौन कौन है, एक कौवा और कोयल। कौवा और कोयल रूप रंग में एक समान होते हैं बच्चों, वह कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है, लेकिन जब तक वो बोलते नहीं है, वसंत ऋतु के आने पर जब वो बोलते हैं तो पता पड़ता है कि कोयल कौन सी है और कौवा कौन सा है। क्यों? मधुर ध्वनि के कारण, मधुर वाणी के कारण कोयल का स्वर मधुर होता है, और कर्कश वाणी जो कौवे की होती है, उन बोली को सुनकर के आप पता लगाते हो कि कौन सा तो कौवा है और कौन सी कोयल है। तो यहाँ पर गुण का वर्णन करा है कवि ने, विशेषता का वर्णन करा है, वाणी का वर्णन करा है कि वसंत ऋतु आने पर ही पता पड़ता है कि दोनों में से कौन कौवा है और कौन कोयल। अर्थात विषम परिस्थितियों में आपको पता पड़ता है कौन आपका व्यक्ति भला चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है। कठिनाइयों में जब आप आते हो, जब आप की जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं में कौन व्यक्ति आपका साथ देता है और कौन व्यक्ति आपका साथ छोड़ के चला जाता है, तो ये सब कब पता पड़ता है बच्चों? जब आपकी जीवन में बाधाएं आती हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया। नेक्स्ट है, बड़े बड़ाई ना करे बड़ो ना बोले बोल, रहिमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। अब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि बड़े को अपने मुख से बड़ाई नहीं करनी चाहिए। बच्चों 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है, उसमें परशुराम जी अपनी वीरता का वर्णन करते हैं, अपना यशोगान करते हैं, तब लक्ष्मण जी उन्हें व्यंग्य करते हैं कि आपके मुख से आप अपनी ही बड़ाई कर रहे हैं, ये वीर पुरुष को शोभा नहीं देता है। अर्थात वहां पर परशुराम जी अपने यश का वर्णन इतनी बार किया है कि जो तुलसीदास जी ने उनका वर्णन करा है रामचरितमानस में, तो वो अनूठा माना गया है बच्चों, इसलिए आपके 10th क्लास के सिलेबस में उसे सम्मिलित किया गया। तो वही है कि बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, जो व्यक्ति बड़ा होता है उसे कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। जैसे हीरा जो होता है वो कभी नहीं कहता कि मेरा लाख टका मोल है, अर्थात हीरा बहुमूल्य होता है, उसकी जो मूल्य होता है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो अपने मुख से कभी नहीं कहता कि मेरा मूल्य इतना है। ऐसे ही बड़े व्यक्तियों को भी अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। बच्चों ये मुहावरा यहाँ पर सटीक बैठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोए, रहिमन फाटे दूध को मथे ना माखन होए। कि बिगड़ी बात जब बात बिगड़ जाती है तो उसको किसी भी प्रकार से बनाया नहीं जा सकता है। जैसे फटे हुए दूध में जावन अगर आप देते हो तो भी उससे मक्खन नहीं निकलता है बच्चों। ठीक है, जो मक्खन निकलता है वो सही दूध में दही का जावन देने पर दही जमता है और उस दही से फिर
मक्खन बनता है। तो ऐसे यहाँ पता है कि बिगड़ी बात कभी भी नहीं बनती है, आप कितने ही प्रयास कर लो, लाख प्रयास करने पर भी वो बिगड़ी बात नहीं बन पाती है, जैसे कि फटे हुए दूध को मथने पर भी माखन प्राप्त नहीं होता है, उससे तो पनीर ही बनेगा, जिसकी सब्जी बना के आप खाओगे। विपत्ति भये धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। विपत्ति आने पर, अर्थात जब व्यक्ति के बुरे दिन आते हैं, तो उसकी जो संपत्ति होती है उसका नाश पहले होता है। अर्थात कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब व्यक्ति का विनाश काल आता है, या उसके जीवन में दुख आते हैं, उसके जीवन में कठिनाइयां या बाधाएं आती है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका धन नाश तो होता है, उसके सबसे पहले उसकी संपत्ति का नाश होता है। नभ तारे छिप जात हैं ज्यों रही भय घोर। जैसे सूर्य का प्रकाश होने से पहले, अर्थात जब सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय से पहले सारे तारे छिप जाते हैं। अर्थात जब दुख जीवन में आता है, तो पहले सुख के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बच्चों, यहाँ पर कबीरदास जी ने ये बताया कि जब भी लोगों का विनाश काल आता है, या लोगों की विपरीत परिस्थितियां चालू होती है, तो सबसे पहले उनका धन का नाश होता है, सबसे पहले उनकी संपत्ति खत्म होती है। जिस प्रकार नभ तारे छिप जाते हैं ज्यों रहीं भय घोर, जैसे सुबह होने पर प्रातःकाल होने से पहले, प्रकाश होने से पहले जितने भी तारे जो रात्रि में निकलते हैं, वो रात्रि के सारे तारे अपने आप गायब हो जाते हैं, छिप जाते हैं। ठीक है। मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम, तीन पैग वसुधा करो तव बावने नाम। यहाँ पर भगवान विष्णु की वामन अवतार के बारे में बताया गया। विष्णु भगवान बहुत बड़े मतलब आप जानते हो भगवान थे। जब वो वामन रूप में आकर के बाली के द्वार जाकर के 3 पग की भूमि मांगते, तो 3 पग भूमि मांग लेने के कारण, अर्थात याचक बन जाने पर भी उनका नाम क्या रहा, वामन, अर्थात बौना। वामन का अर्थ होता है बौना। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है रहीमदास जी ने, कि मांगे घटत रहीम पद, कि मांगने पर पद घट जाता है। कितो करो बड़ी काम, आप कितना ही बड़ा काम करो, अगर आप याचक बन जाते हो एक बार, तो आप बौने रह जाते हो, छोटे रह जाते हो। जैसे 3 पग वसुधा मांग लेने पर भी, यानी 3 पग में उन्होंने सारे संसार को नाप लिया था, उन्होंने स्वर्ग को, पृथ्वी को, पाताल को, सबको नाप लिया था उन्होंने, केवल 3 पग भूमि के अंदर, लेकिन फिर भी उनका नाम क्या रहा, वामन, अर्थात बौना ही नाम रहा। तो आप अगर याचक बन जाते हैं, तो आपका जो पद होता है वो छोटा हो जाता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, तो हमें कभी भी याचक नहीं बनना चाहिए बच्चों। ठीक है। बाली की कहानी तो सुनी होगी आपने, राजा बाली की कहानी जो थी, देखते हैं आगे। तो राजा बाली की कहानी ये है बच्चों, राजा बाली असुरों के राजा थे। वो असुरों के राजा जो थे, वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उस अश्वमेध यज्ञ के करने से वहाँ उनको जो है आसपास की, या उनका जो यश कीर्ति है, वो सारे संसार में व्याप्त हो जाती, तीनों लोकों में व्याप्त हो जाती। तो देवताओं में कोलाहल मच गया कि जो असुरों का राजा है बाली है, वो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। तब तो वो सबके सब जाते हैं भगवान विष्णु के पास में। विष्णु भगवान के पास जब वो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। तब तो वो वामन अवतार लेकर के जाते हैं, और वामन अवतार बना करके 13 वर्ष की आयु के लगभग होते हैं वो। तो 13 वर्ष की आयु के लगभग जो वो होते हैं, तो वो बौने होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। जब वो जाते हैं, और जाकर के जब वो यज्ञ के स्थान पर पहुंचते हैं, तो वहाँ के जो पहरेदार होते हैं, वो उन्हें रोक देते हैं। वो कहते हैं कि यज्ञ चल रहा है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, ब्राह्मणों को दान दिया जा चुका होता है। तो जब ये बात राजा बाली के पास पहुंचती है, तो वो कहते हैं कि उसे पूछो क्या चाहिए। जब वो याचक के पास, यानी वामन जी के पास आते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि महाराज आपको क्या चाहिए। तो कहते हैं मुझे कुछ नहीं, केवल 3 पग भूमि चाहिए। वो कहते हैं 3 पग भूमि चाहिए, तो 3 पग भूमि तो आप जहां आपकी मर्जी है वहां ले लीजिए। बोले नहीं, मुझे वचन चाहिए। किससे? राजा बारी से वचन चाहिए कि मुझे 3 पग भूमि वो देंगे, तो ही मैं यहाँ पर रुकूंगा, वरना मैं जाऊंगा। तो राजा बारी के पास जब ये खबर पहुंचती है, तो वो कहते हैं कि मेरे द्वार से आज तक कोई भी याचक खाली नहीं गया है, तो ये कैसे जा सकता है। तो वो स्वयं उठ करके आते हैं, वो कहते हैं कि महाराज आपको जहां मर्जी हो, आप जहां चाहे वहां 3 पग भूमि ले सकते हैं। जब वामन जी को ये वचन दे दिया जाता है, तो जब वो भूमि नापने के लिए अपना शरीर विशाल करते हैं, तो वो इतने विशाल हो जाते हैं, इतने विशाल हो जाते हैं कि केवल 2 पग भूमि के अंदर वो पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं।
स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी, आकाश, सब चीजों को वो केवल दो पग के अंदर नाप लेते हैं। जब वो दो पग में पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं, तो वो बाली से पूछते हैं कि ये तो दो पग में ही मैंने सारे संसार को पूरा हो गया, सारा संसार नाप लिया, मैं तीसरा पग कहाँ धरूं। तो बाली की जो जागृत, बाली की जो चेतना होती है, वो जगती है और उसे पता पड़ता है कि स्वयं भगवान है। तो वह कहते हैं कि आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए, जिससे मेरा मोक्ष हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए। तब भगवान जो बावन जो है, या विष्णु भगवान का जो अवतार है, वो उनके सिर के ऊपर अपना पग धरते हैं और उन्हें पाताल लोक का राजा घोषित करते हैं बच्चों। और उनके बारे में कहा जाता है कि उनके लिए जो पुण्य के जो कार्य होता है, मैंने भी कहीं सुना है, मुझे फैक्ट पता नहीं है, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि दिवाली के अवसर पर हम जो दिए जोड़ते हैं 3 दिन, वो जो दिए हैं, वो दिए जोड़ने का जो पुण्य जाता है, वो उन्हीं को जाता है, और राजा बाली के लिए ही वो जोड़े जाते हैं दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मान सहित विषखाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायु शीश। अब यहाँ पर भी एक पौराणिक कथा है बच्चों। जब समुद्र मंथन हुआ था, जब देवताओं और असुरों में जंग छिड़ी रहती है, हमेशा आपने सीरियल देख तो आप बहुत सारे, उनमें यही होता है कि हमेशा असुर और जो देवता है वो हमेशा लड़ते रहते हैं। तो जब वो लड़ते थे, तो उनकी मतलब कोई मरता था, कोई जीता था, ऐसा होता था। तो उन लोगों ने सोचा कि ये व्यर्थ की बातें। तो जब उन्हें पता पड़ा कि समुद्र के अंदर अमूल्य निधि छिपी हुई है, बहुत सारे खजाने हैं उसके अंदर, उसमें एक अमृत का कलश भी है जिसका सेवन करने से मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएंगे। तो उन लोगों ने ये सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि वो अमृत हमें मिल जाए और हम अमर हो जाए, हमारी मृत्यु नहीं होगी उससे। तो होता क्या है, देवता और जो दानव है, दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं, और समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें निकलती है। लक्ष्मी जी भी वहीं से निकली है, जो मदिरा यानी जो शराब है वो भी वहीं से निकली है, सूरज जी के जो घोड़े हैं, मतलब उनके जो घोड़े हैं, और बहुत सारी चीजें निकली है वहां से। लक्ष्मी जी वहां से निकली थी, वहां से अमृत निकला था, वहां से जहर निकला था। तो वहां से जो जहर निकला था वो इतना विषैला था कि उसने सारे संसार में त्राही त्राही मचा दी थी। उसकी केवल जो गंध थी, उस गंध मात्र से लोग मरने लग गए थे, प्राणी मरने लग गए थे। तब सबके सब जाकर के शिवजी भगवान के पास जाकर के याचना करते हैं, और शिवजी के पास में जब वो याचना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें इस कालकूट विष से बचाइए, तो शंभु अर्थात भगवान शिव जो है उस विष का पान करते हैं, और उस विष का पान करने के कारण वो नीलकंठ कहलाए बच्चों। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, इसलिए शिवजी का कंठ जो है वो नीला है, और नीलकंठ नाम जो पड़ा वो उनका इसी कारण से पड़ा था। ठीक है, तो मान के साथ में विष पीने पर शंभु क्या हुए, जगदीश हुए, यानी भगवान कहलाए, ईश्वर कहलाए। और बिना मान के अमृत पीने पर जब मोहिनी रूप धर करके विष्णु भगवान अमृत का विभाजन कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले देवताओं का अमृत पिलाना प्रारंभ किया था, ताकि वो अमृत राक्षसों के हाथ ना लगे। अगर वो राक्षसों के हाथ लग जाता तो उनकी जो बुराइयां हैं, उनकी जो दुराचार है, वो और ज्यादा बढ़ जाते। इसलिए विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को जब अमृत का पान कराना प्रारंभ किया, तो वहां पर राहु नाम का एक व्यक्ति था, एक असुर था। उस असुर ने देवताओं का रूप बना करके छल से अमृत का पान किया, लेकिन जब विष्णु भगवान को पता पड़ा कि ये राक्षस है, ये देवता नहीं है, तो उन्होंने अपने चक्र के माध्यम से, उनका जो चक्र था, उस चक्र से उन्होंने उसकी गर्दन काट दी थी। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि सम्मान के साथ में जहाँ विष शिवजी को पिलाया था, वो ईश्वर हो गए, वो भगवान हो गए, वो नीलकंठ हो गए, वहीं पर छल से अमृत का पान कर लेने पर भी राहु को क्या प्राप्त हुआ, राहु की गर्दन कट गई। तो सम्मान के साथ में हमें कोई चीज मिलती है तो वो स्वीकार करनी चाहिए, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आप छल कपट से कोई बड़ी चीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो गलत होता है, वो बुरा होता है। ठीक है बच्चों, रहिमन जीवा बावरी कहे गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। अर्थात हमें परिस्थिति के अनुसार क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये सब किस पे डिपेंड करता है बच्चों, किस पर आधारित होता है, आपकी जीवा के ऊपर, आपकी वाणी के ऊपर। क्योंकि कहने का कार्य कौन करता है, जीव। लेकिन कहने के बाद में जो कंडीशन होती है, जो सिचुएशन, जो परिस्थिति होती है, उसका सामना कौन करते हैं, आपका मुंह करेगा, आपके हाथ पैर करेंगे, आपका शरीर करेगा। तो यहाँ पर यही कहा है रहीमदास जी ने कि रहीमन जीवा बावरी की जीवा तो पागल होती है, कह करके कुछ उसकी जो मर्जी होती है वो कह जाती है। हालांकि कंट्रोल आपका होता है, नियंत्रण आपका होता है कि जीवा क्या कह रही है, लेकिन कहने के बाद में वो जीव तो अंदर रह जाती है,
और जूती किसे खानी पड़ती है बच्चों? कपाल को, खोपड़ी को, सर को जूती खानी पड़ती है। यहाँ पर कवि, यहाँ पर रहीमदास जी ने ये कहा है कि बोलते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि बोलने के बाद में जो परिस्थिति है उसका सामना आपकी जीभ को नहीं, आपके शरीर को करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जीभ तो कह करके अंदर चली जाती है, और जूते किसको खाने पड़ते हैं? दोष किसे लेना पड़ता है? सर को लेना पड़ता है, जूते आपके सर पे पड़ते हैं। अमृत ऐसे वचन में रहिमन रस की गास, जैसे मिसरी हूं मैं मिली नीरस बांस की फांस। अब यहाँ पर रहीमदास जी क्या वर्णन कर रहे हैं कि अमृत जैसे वचनों में, यानी कि मधुर वाणी के अंदर जो क्रोध होता है वो शोभा नहीं देता है। जैसे मिश्री की रस, मतलब रस से बनी हुई जो मिश्री है उसके अंदर जब बांस की फांस आ जाती है तो वो रसहीन हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, मिश्री को साफ करने के लिए बांस की बारीक रेशों का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर जैसे अमृत जैसे वचनों में कोई व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति है, बहुत अच्छी तरीके से बात करता है, बहुत अच्छे व्यवहार वाला है, लेकिन अगर उसमें क्रोध बहुत ज्यादा है और वो क्रोध करता है तो उसका वो व्यवहार किसी कार्य का नहीं रहता, किसी मतलब का नहीं रहता। जैसे मिश्री में मिली हुई बांस की फांस जो है वो नीरसता पैदा करती है बच्चों। यानी आप कोई चीज खा रहे हो, उस चीज में कोई, जैसे आप खाना खा रहे हो, खाने में बाल आ जाता है तो वो आपका जो स्वाद है उसको चेंज कर देता है। आप खाना खा रहे हो, दाल के अंदर कंकड़ आ जाता है या कोई भी ऐसी चीज आ जाती है तो आपका स्वाद बिगड़ जाता है। तो वही यहाँ पर बात बताइए कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों में क्रोध शोभा नहीं देता है बच्चों। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।